दोस्तों आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हर रोज वैज्ञानिक अलग अलग शोध कर रहे हैं और दिन पे दिन टेक्नोलॉजी बढ़ते ही जा रही है। यहाँ तक कि पशुपालन में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है जिसे देखकर आप शायद हैरानी में पड़ जाएं, और हमारे किसानों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे भी, जिससे पशुपालन एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 है चूड़ा मशीन। दोस्तों गाय के बछड़ों के लिए खास तौर पर बनाई गई ये मशीन अपने आकार के कारण अलग तो है ही, साथ ही साथ गाय के बछड़ों के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो रही है। उपयोग में लाने के लिए सबसे पहले पैचूड़ा मशीन को बड़े से कंटेनर में दूध भरा जाता है, साथ ही बछड़ों के सही विकास के लिए एक खुराक भी इस दूध में डाला जाता है। इसके बाद मशीन को एक बड़े फील्ड में ले जाया जाता है जहां बछड़े घास चर रहे होते हैं। वहां मशीन के पहुंचते ही इसके तरफ भागे चले आते हैं। इस मशीन में छोटे छोटे थन लगे होते हैं जहां से बछड़े इन्हें दूध पीते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। ये मशीन यूज करने के बाद पता चला कि यह बहुत लाभदायक है और किसान भी इससे बहुत खुश हैं। नंबर 4 टेप एरी रेस बेल। इस बेहतरीन मशीन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये इंटरेस्टिंग मशीन खास तौर पर भेड़ों के लिए निर्मित किया गया है। इस मशीन को उपयोग में लाने के लिए भेड़ों को एक एक करके इस मशीन से गुजरना होता है। जैसे ही इस मशीन के मुख्य भाग में पहुंचती है तो इस मशीन में लगे सेंसर इनको पहचान कर इसको जकड़ लेते हैं। मशीन के इस प्रकार से भेड़ों को पकड़ने में भेड़ को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि भेड़ घबरा जरूर जाते हैं कि भाई हम कहाँ आ गए हैं। इसके बाद मशीन इनका सही वजन माप कर मशीन में फिट कर लेती है। इस मशीन से सिर्फ भेड़ों का वजन ही नहीं नापा जाता बल्कि इसके मदद से भेड़ों के शरीर पे ऊन भी निकाली जाती है और बीमार भेड़ों को दवाई भी पिलाई जाती है। दोस्तों यह मशीन यहाँ से वहाँ कम्फर्टेबली और कहीं इस्तेमाल के लिए ले जाया जा सकता है। नंबर 3 हूफ केयर स्टैंड। फ्रेंड्स यह कमाल की मशीन आकार में बड़े और वजनी पशुओं के लिए बनाई गई है। इसका प्रयोग पशुओं को पैरों के हूफ को साफ करने के लिए विकसित किया गया है। इसके लिए सबसे पहले गाय या फिर अन्य किसी बड़े पालतू जानवर को इस मशीन में अंदर भेजा जाता है। गाय के सिर पेट और पूरे शरीर को अच्छे से फिट कर लिया जाता है और साथ ही साथ गाय के पैरों को अच्छे से मशीन में फंसा दिया जाता है। इसके बाद किसान मशीन को मोड़ते हैं और फिर बड़े ही आसानी से गाय के खुरों को साफ कर लिया जाता है। पूरी सफाई करने के बाद मशीन को सीधा कर लिया जाता है और गाय फिर बड़े ही आसानी से बाहर निकल आती है। नंबर 2 कैन्युलेटेड मशीन। दोस्तों आपने यह तस्वीर कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। दोस्तों यह कोई एडवांस मशीन नहीं है पर एडवांस टेक्नोलॉजी जरूर है। जी हाँ, इन गायों के पीठ पर इंसानों द्वारा एक छेद बनाया जाता है, पर इसके पीछे की वजह यह बिल्कुल भी नहीं है कि इन गायों में किसी तरह की कोई बीमारी है, बल्कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि जीव वैज्ञानिक गायों को पूरी तरह से स्वस्थ रखे। स्वीडन और हॉलैंड में गायों के शरीर पर बनाए गए इन होल्स को कैन्यूला भी कहते हैं। जीव वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इन होल्स की मदद से गाय के द्वारा खाए गए भोजन पर नजर रखा जा सकता है, जिससे एंजाइम्स और विटामिन्स की भी कोई कमी नहीं होती है। फलस्वरूप गाय अधिक मात्रा में पौष्टिक दूध देती है। साथ ही साथ अगर ऐसा वैसा अगर गाय निगल जाए तो उसे आसानी से होल्स के द्वारा निकाल भी लिया जाता है। नंबर 1 डायरी मास्टर। पालतू पशुओं का दूध निकालना पहले इतना आसान नहीं था, लेकिन अब हो गया है। गाय जैसे पालतू पशुओं से दूध निकालना किसान के लिए एक चुनौती रहती थी, लेकिन ये आधुनिक मशीन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इस मशीन के इस्तेमाल के बड़े ही आसानी के साथ दूध निकाला जा सकता है। इस मशीन को एक गोलाकार आकार में बनाया गया है जिससे किसानों को गायों को एक एक करके अंदर भेजते हैं और फिर किसान थनों में दूध निकालने वाली मशीन को फिट कर देते हैं और फिर दूध कंटेनर में जाने लगता है। दोस्तों इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि इस मशीन को निरंतर घुमाए जाते हैं। इसके पीछे एक खास कारण भी छिपा हुआ है। दरअसल गायों को एक जगह खड़ा करके दूध निकालने की अपेक्षा इस तरह से मशीनों में गोल गोल घुमा कर निकालने में गाय को ज्यादा दूध देते हुए पाया गया है। इस तरीके से गाय के दूध निकालने वक्त काफी शांत रहती है, जिसका परिणाम हुआ दूध भी अधिक मात्रा में देती है और सामने पड़ा चारा खाते रहने से उसका ध्यान थनों पे लगी दूध निकालने वाली मशीन पे नहीं जाती और इस तरीके से किसानों को भी ज्यादा मुनाफा देखने को मिल रहा है। और ये थे कुछ एडवांस मशीनें जो कि आज बड़ी मात्रा में यूज हो रहे हैं। तो आपको इनमें से कौन सी मशीनें सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।